हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या। आज हम देखेंगे कि आप अपने स्पॉट स्कार्स एंड पिगमेंटेशन को कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में जैसे कि हेयर होते हैं और हमारे फेस से भी हेयर होते हैं, जिनको हम फेशियल हेयर बोलते हैं। तो जब हमारी बॉडी में हमारे फेस पे हेयर्स होते हैं तो ऑब्वियसली पोर्स भी होंगे। तो जैसा कि पोर्स होते हैं तो हमारी स्किन एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिससे कि हमारी स्किन हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रहे। लेकिन किसी किसी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जिससे कि स्किन ऑयली बन जाती है। किसी का टी जोन ज़्यादा ऑयली होता है तो वो स्किन कॉम्बिनेशन बन जाती है। तो बात करते हैं कि हमारी स्कार्स कैसे बन जाते हैं। ये ऑयल आना तो ठीक है, बट स्कार्स बनना ये ठीक नहीं है। तो हम जान लेते हैं कि कैसे होता है। तो जैसे कि हमारी स्किन ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो क्या होता है कि जब आप बाहर जाते हैं सनलाइट में, आउटडोर में बाहर जाते हैं, तो सनलाइट हमारे एक्सपोज्ड एरिया में जब पड़ता है डायरेक्ट, तो वो जहाँ पे हमारी स्किन पे जो ऑयल प्रोड्यूस हुआ होता है वो जला देता है उसको। और जब वो चीज़ जल जाती है तो वो एक ब्लैक सा स्पॉट बन जाता है। और ऐसे ही ऐसे वो सनलाइट पूरी पड़ती रहती है, हर एक स्पॉट पर, हर एक पोर्स पर पड़ती रहती है, तो वो एक स्पॉट स्पॉट से बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे फ्रीकल से आ जाते हैं। तो क्या होता है जब हर एक स्पॉट पे, मोस्टली क्या होता है हमारे आर्म्स से, हमारे हैंड्स पे और हमारे फेस पे होता है, क्योंकि मोस्टली यही एक्सपोज्ड एरिया होते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको जब भी आप सनलाइट में जाएं, बाहर धूप में जाएं, तो आपको सनस्क्रीन जरूर से जरूर अप्लाई करनी है हर अपने एक्सपोज्ड एरिया में। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ये तो हो गया एक फर्स्ट स्टेप जो आपको हमेशा फॉलो करना है जब भी आप सनलाइट में जाएं, आप बाहर धूप में जाएं। इनफैक्ट अगर सनलाइट नहीं भी है, अगर थोड़ा सा अगर लोग देखते हैं कि हल्की सी धूप होती है तो सनस्क्रीन को स्किप कर देते हैं कि यार आज तो धूप नहीं है तो आज क्यों लगाना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। अगर हल्की सी भी रफ सी होती है तो भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना होता है, वरना आप फिर इन प्रॉब्लम को झेलिए, स्पॉट्स को और पिगमेंटेशन को। तो अब बात करते हैं पिगमेंटेशन की। पिगमेंटेशन तो एक बढ़ती उम्र के साथ में होता है। जब हमारी एज बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो पिगमेंटेशन हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम कम उम्र भी हो जाता है। कम उम्र में प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अपनी स्किन का पर्टिकुलर अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, वो सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते हैं। ऐसे बाहर धूप में आप चले गए और आपने सनस्क्रीन अप्लाई नहीं की, अपने फेस पे सनस्क्रीन को नहीं लगाया, तो फिर आपको जब सनलाइट पड़ेगी तो आपकी स्किन को वो डैमेज कर देगी। तो आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आपको सनस्क्रीन लगानी है, उसके बाद आपको कुछ स्कार्फ कुछ भी डाल करके आपको बाहर जाना है। सेकेंड बात आती है, आपको अपने स्किन को पर्टिकुलर एक अच्छे तरीके से क्लीन रखना है, उसको मॉइस्चराइज रखना है, उसको हाइड्रेटेड रखना है। तो ये तो बात हो गई कि ये क्यों होते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि इनको ख़त्म कैसे किया जाता है। इनके कुछ घरेलू नुस्खे हैं, कुछ होममेड रेमेडीज़ हैं जो आपको अप्लाई करनी है, तो उससे उनको दूर किया जाता है। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको रेमेडी बनानी है और कैसे इसको अप्लाई करनी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप किसी क्रीम को अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने जो स्क्रीन पर पिक्चर डाला हुआ है, मैंने इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको पिगमेंटेशन या स्कार्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि होम रेमेडी से साथ उतना आराम ना मिले आपको, उतना वर्क ना दिखाई पड़े, तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, तो वहाँ से आपको बेनिफिट्स जरूर मिले। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने पिगमेंटेशन या स्पॉट्स स्कार्स कम करने के लिए आपको क्या लगाना है अपने फेस पे। आपको लेना है एक लेमन। तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ और अब मैंने इसको कट कर लिया है और अब मैं इसको स्क्वीज करूँगी और जितना इसमें ये लेमन होगा हमें उसमें उतना ही वाटर ऐड करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वाटर मिनरल वाटर होना चाहिए, आपको ये नॉर्मल वाटर नहीं लेना है, आपको मिनरल वाटर ऐड करना है इसमें। तो अब मैंने इसमें लेमन जूस इसको निकाल लिया, मैं आपको दिखाने के लिए इसमें थोड़ा सा निकाल रही हूँ और ये करीब 1 टेबल स्पून है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून वाटर ऐड करूँगी। तो अब इसमें मैं ये 1 टेबल स्पून वाटर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। और अब आपको क्या करना है, अब आपको एक कॉटन बॉल लेना है और आप इसमें देखिए, अब इसमें मैंने थोड़ा सा जूस, इसमें लेमन जूस और इसमें वाटर ऐड कर लिया है और एक कॉटन बॉल को लेकर इसको इसमें डिप कर लेना है
जब ये इसमें अच्छे से डिप हो जाए फिर आपको इसमें लेना है और जहाँ जहाँ पर भी आपके स्कार्स हैं या आपका पिगमेंटेशन है जहाँ पर भी आपको है उस जगह पे आपको इसको अप्लाई करना है। मान लीजिए आपको चीक्स पे हैं, आपके फोरहेड पे हैं, आपके नोज पे हैं, आपके आर्म्स, जहाँ पर भी आपको पिगमेंटेशन या आपके स्पॉट्स या स्कार्स हैं वहाँ पर आपको इसको अप्लाई करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे वैसे है नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको बस ऐसे कॉटन में इसको आपको ऐसे लगा लेना है इसको बस, और उसके बाद फिर आप देखेंगे ये थोड़ा सा ऐसा लेयर सी बन गई है, इसमें थोड़ा सा पैकेज हो गया है। तो अब आपको इसको लगा करके इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद आपको ठंडे पानी से इसे वॉश कर लेना है। बस आपको ये अल्टरनेट डेज में अप्लाई करना है क्योंकि ये एक होम रेमेडी है, तो आप इसमें धीरे धीरे वर्क करेगी। और मैंने आपको क्रीम के लिए भी बोला है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी परचेज लिंक दे दी है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे ये होम रेमेडीज अगर आप इसे फॉलो करना चाहते हैं इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, बट आपको उसे रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा, तब आप में इसमें कुछ इसके बेनिफिट्स आपको नजर आएंगे। I hope you like the video and it will helpful for you. So don't forget to share and like my video and subscribe my channel and hit the bell icon. See you soon. Bye bye.